नमस्कार, जनता टीवी का स्पेशल एडिशन ठोक के पूछेंगे लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने आपको हरियाणा के ग्राम सचिवालयों की असली हकीकत दिखाई थी, तमाम ग्राम सचिवालयों का रियलिटी चेक किया था, लेकिन अब इस हफ्ते हम प्रदेश में बढ़ रहे अवैध खनन के खेल का पर्दाफाश करने वाले हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे कि कैसे प्रदेश में खनन माफियाओं का बोलबाला है और कैसे ये माफिया प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बन गए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ठोक के पूछेंगे कि आखिर प्रदेश में अवैध खनन के इस काले कारोबार पर लगाम कब लगेगी। अपने इस खास शो में सबसे पहले हम बात करेंगे फरीदाबाद जिले की, जहां यमुना तट और अरावली की पहाड़ियों में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। यह हालात तब हैं जब खनन मंत्री भी इन इलाकों का कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कभी दिन दहाड़े तो कभी रात के अंधेरे में खनन करते हैं, और अगर पुलिस यहां पहुंच भी जाए तो वो उनसे भिड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो चलिए बिना देर के आपको दिखाते हैं फरीदाबाद में हो रहे अवैध खनन के इस खेल का पूरा सच और माफियाओं की खनन की पूरी रिपोर्ट। हरियाणा में अवैध खनन का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। सालों से चल रहे खनन के इस खेल में हरियाणा सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही लोगों की जिंदगी के साथ भी खनन माफिया खेल रहे हैं। कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन दहाड़े ये माफिया अवैध माइनिंग के काले कारोबार को अंजाम देते हैं। न इन्हें ड्रोन की कोई परवाह होती है, न खाकी का कोई खौफ। खाकी से उलझने में भी ये देर नहीं करते। नियम कायदे कानून सब तो इनकी जेब में रहते हैं। यही वजह है कि अब जनता टीवी ने प्रदेश में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ बीड़ा उठाया है। अब हम मौन नहीं रहेंगे। जनता टीवी जिम्मेदारों से ठोक के पूछेगा कि खनन माफिया पर आखिर नकेल कौन कसेगा, माफियाओं के बुलंद होते हौसले पर लगाम कौन लगाएगा। हरियाणा में हो रहे अवैध खनन में सबसे पहले हमने फरीदाबाद जिले की पड़ताल की। फरीदाबाद के पनहेड़ा गांव और अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन की खबरें लगातार आ रही थी। इस बीच हमने भी फरीदाबाद में चल रहे अवैध खनन और माफियाओं की खनन को उजागर करने के लिए ठान ली। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता पूजा शर्मा यमुना और अरावली की पहाड़ियों का जायजा लेने पहुंची तो वो देखा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन का खुला खेल चल रहा था। पुलिस की मौजूदगी में ये सब हो रहा था। माफियाओं में पुलिस का तो कोई डर ही नहीं दिख रहा था। माफियाओं और पुलिस के बीच जमकर बहस हो रही थी। तस्वीरों और बहसबाजी को देखकर तो लग रहा था कि मानो दोनों के बीच कोई गठजोड़ हो, क्योंकि जिस खाकी के डर से खनन माफियाओं को यहां से मैदान छोड़कर भाग जाना चाहिए था, वो उनसे सीधे भिड़ते दिख रहे थे। और माफियाओं की इस तू-तू मैं-मैं को कहते हैं कि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। अब लोगों के गुस्से को भी देखिए। हमारा जो शहर है फरीदाबाद, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है शायद अब भी। तो क्या कारण रहा है कि हम उस पर रोक नहीं लगा पाए? हमारे मंत्री होने के बावजूद, हमारे एरिया के मंत्री होने के बावजूद, इसको यही दर्शाता है कि यहाँ पे दबाव की राजनीति काम कर रही है। सब लोग अपना फायदा देख रहे हैं, सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है इसके लिए। खनन देखते हैं, आप चले जाए रात की तरफ, चले जाए ट्रैक्टर ट्रक डंपर इतनी तेजी से निकलते हैं खनन को चुरा के, रेती को चुरा के। उनको पुलिस विभाग का सपोर्ट है, उनको मंत्रियों का सपोर्ट है, और खुद मंत्रियों की निगरानी में खनन विभाग की चोरी की जा रही है। इससे ये अपना पर्यावरण को नुकसान है, हमारे खनन को नुकसान है। हमने अपनी पड़ताल को थोड़ा और आगे बढ़ाया। जनता टीवी संवाददाता पूजा शर्मा यमुना के तट पर पहुंची। यहां हमें दिन के उजाले में तो रेत खनन होता नहीं दिखा, लेकिन ऑफ कैमरा लोगों से बात करने पर पता चला कि रेत माफिया यहां पर अवैध रेत खनन को खूब अंजाम दे रहे हैं।
अरावली का चीरहरण करने वाले खनन माफियाओं पर अब हरियाणा सरकार काफी सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के सख्त रुख के बाद अब हरियाणा सरकार जहां ड्रोन से खनन वाले एरिया का सर्वे करवा रही है, वहां पर तीसरे कैमरे की नजर से निगरानी रखी जा रही है। वहीं कर्मचारियों को लेकर भी नीति बनाई गई है। अब आउटसोर्सिंग से कर्मचारी अवैध खनन को रोकने के लिए तैनात किए जाएंगे। हालांकि फरीदाबाद की यदि बात करें तो अरावली और यमुना दोनों जगह खनन अभी भी जारी है। हालांकि पहले के मुकाबले कमी जरूर आई है, परंतु अब रात के अंधेरे में खनन माफिया अपना काम कर रहे हैं। हालांकि रात को औचक निरीक्षण भी खनन मंत्री मूलचंद शर्मा कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम प्रयास पूर्ण रूप से खनन रोकने में असफल साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर फरीदाबाद में तमाम प्रयासों के बावजूद अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और अरावली के पहाड़ों में खनन करने से बाज नहीं आ रहे। स्थिति तो ये है कि जहां अरावली खोखली होती जा रही है, तो वहीं यमुना में अवैध खनन का भी दुष्प्रभाव सामने आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी लगातार अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाए हैं। यही वजह है कि हरियाणा सरकार और खनन मंत्रालय थोड़ा बहुत संजीदा भी दिखने लगा है। मगर अवैध खनन करने वाले माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन में नहीं तो रात के अंधेरे में खनन कर रहे हैं। हालांकि खनन मंत्री मूलचंद शर्मा कई मौकों पर यमुना घाटों के साथ साथ अरावली का भी औचक निरीक्षण कर चुके हैं। प्रशासन की ओर से पत्थरों और रेती के साथ वाहनों को जब्त भी किया गया, मगर बावजूद इसके अवैध खनन करने वालों में इसका कोई असर और डर नहीं है। वहीं अरावली में अवैध खनन से फरीदाबाद में ओवरलोड डंपरों का भी कहर बदस्तूर जारी है। आए दिन पत्थरों से भरे हुए ओवरलोड डंपर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यह अवैध खनन न केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि लोगों की जान के लिए भी खतरा बना हुआ है। अवैध खनन न केवल प्रकृति के लिए नासूर बनता जा रहा है, बल्कि अवैध खनन के चलते पत्थरों से ओवरलोडेड वाहन जब सड़कों पर रेंगते हैं तो लोगों की जान पर बनाती है। लगातार प्रशासन कह रहा है कि ओवरलोडेड वाहनों पर लगाम कसी जा रही है, लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो फरीदाबाद में आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब ओवरलोडेड पत्थरों से भरे वाहन लोगों की जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। लोगों में ओवरलोडेड डंपरों का खौफ बदस्तूर जारी है। तो वहीं जब इस बारे में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से बात की गई, तो मंत्री जी ये बताने में जुट गए कि पहले के मुकाबले खनन पर अंकुश लगा है। वैध रूप से किए गए खनन से सरकार को काफी राजस्व भी मिला है। देखो, अरावली सेक्शन 4-5 के अंदर है और अरावली में हमारे मुस्तैद हैं सारे, जहां भी हम ड्रोन से सारे कर रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि अरावली में जो अवैध खनन पूर्व की सरकारों में हुआ करता था, और मैं इस बात की रिकॉर्ड के साथ कह सकूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 702 करोड़ पिछली बार माइनिंग से आया, उनके अतीत में जाके देखिए 250, 300, 200 करोड़ का है। और आने वाले कोरोना के समय, जो कोरोना के साल है, इसमें माइनिंग में और 18 माइनिंग बंद होने के बावजूद भी आज भी माननीय 700 करोड़ के आसपास है, इससे हमें लाभ मिला। अब मंत्री जी को कौन समझाए कि जनता को इस बात से मतलब नहीं है कि किसके राज में ज्यादा अवैध खनन हुआ और किसके राज में कम, लेकिन हम और प्रदेश की जनता तो ठोक के पूछेगी कि आखिर अवैध खनन के इस काले खेल पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा, क्यों ये खनन माफिया पुलिस और प्रशासन से खौफ नहीं खाते, क्यों लोग ओवरलोडिंग डंपरों के चलते डर के साए में रहने को मजबूर हैं। लोग लगातार प्रशासन से यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें अवैध खनन के चलते जो ओवरलोडेड डंपर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उनसे निजात आखिर कब मिलेगी। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन शिवम के साथ पूजा शर्मा, जनता टीवी। तो अवैध खनन और खनन माफिया कितने बेखौफ तरीके से धड़ल्ले से अवैध खनन में लिप्त हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारी संवाददाता पूजा शर्मा ने फरीदाबाद में बिना डरे ग्राउंड रिपोर्टिंग की, ग्राउंड जीरो से हमें बताया क्या कुछ स्थिति है, क्या तस्वीरें। और हमारे साथ इस वक्त खुद हमारी संवाददाता पूजा शर्मा सीधे जुड़ रही हैं। पूजा, जो स्थिति है यमुना तट पर अवैध खनन की,
तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सरकारी दावे, प्रशासनिक दावे फेल हैं। अरावली पहाड़ियों पर अवैध खनन को रोकने के न जाने कितने दावे हुए। सरकार भी कह रही है कि पिछली सरकारों में ज्यादा होता था, इस बार इस सरकार में कम हो रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकल रही है। आखिर कहां पर ये दावे फेल साबित हो रहे हैं, ये आपसे समझना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए आपने दो चीजें कही कि एक तो जो है क्या कारण है जो बेखौफ अवैध खनन किया जा रहा है जी, और प्रशासन क्यों नाकाम साबित हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में यमुना के खनन की बात करें या फिर अरावली के चीरहरण की बात करें जी, लगातार ये सिलसिला जारी है। सरकार और माइनिंग विभाग जो है सक्रिय हुआ, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना असर जरूर हुआ है कि जो खनन दिन के उजाले में होता था, अब वो रात के अंधेरे में होता है। और दबंगई का आलम आप देख सकते हैं कि हम ग्राउंड जीरो पर जब रिपोर्टिंग करने के लिए निकले तो दिन का समय था, लेकिन अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहा कि हम वहां पर अकेले नहीं जाएं, क्योंकि अकेले जाना वहां खतरे से खाली नहीं होगा। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो अधिकारी, जो इंस्पेक्टर वहां सर्वे के लिए जाते हैं कि माइनिंग तो नहीं हो रही है, अवैध निर्माण अरावली में नहीं हो रहा है, उनकी सारे नाम टाई कर दी जाती है। और वो जो स्थानीय पुलिस जो आप बात कह रही है, काफी गंभीर बात है, महत्वपूर्ण बात है। और मैं दर्शकों को, आपको रोक कर यहां पर एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि खुद अधिकारी, खुद पुलिस अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि ऐसी जगहों पर वो खुद पूरे मैन पावर के साथ नहीं जाते, क्योंकि डर होता है कि एक खनन माफिया कहीं हमला न कर दे। ऐसे में हमारी संवाददाता पूजा शर्मा ने ग्राउंड जीरो से बेखौफ रिपोर्टिंग की है। पूजा, ये समझना चाहूंगा, क्योंकि तमाम माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जो बनाए गए हैं इस अवैध खनन को रोकने के लिए, उल्लंघन लगातार उसका किया जा रहा है। सिस्टम, या यूं कहें कि प्रशासनिक लेवल पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही, क्यों प्रशासनिक दावे फेल हो रहे हैं? देखिए, उसका सीधा कारण यदि यह देखा जाए तो यही है कि जो खनन हो रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है, अधिकारियों की कथित मिलीभगत से हो रहा है। और ना केवल इसमें सत्ता पक्ष बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं उनका भी संरक्षण इसमें है, जो कि कई तरह की चर्चाएं शहर में रहती हैं इस बात को लेकर। और यही कारण है कि देखिए जो ये एरिया है अरावली का, वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं का रसूख है। उसके बावजूद यहाँ पर अगर खुलेआम खनन होता और इतनी दबंगई से खनन होता है कि कोई भी अधिकारी, यहाँ तक कि मीडिया के लोग भी वहां से जाने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि कई बार उन्हें बंधक भी बना लिया जाता है, तो स्थिति कितनी गंभीर है। संरक्षण जो है, जब अधिकारियों से बात करते हैं तो कैमरे के आगे तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन दबी जुबान में ये बात जरूर कहते हैं कि ऊपरी स्तर तक जो है खनन को रोकने के लिए जो है प्रयास करने की बात सरकार कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिलीभगत, बहुत बड़ी साठगांठ है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि यदि स्थानीय पुलिस सजग है, कैबिनेट मंत्री, क्योंकि कई बार ऐसे मामले देखे गए फील्ड पे, जैसा आप बता रही कि हर दिन चालान भी किए जाते हैं, जो ओवरलोडेड डंपर चल रहे थे, जो अवैध खनन में लिप्त होते हैं, चालान पुलिस करती है, माइनिंग विभाग की टीम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें रुकती नहीं है। तो ऐसी क्या स्थिति है, क्योंकि जो आप मिलीभगत की बात कह रही हैं प्रशासनिक अधिकारियों की या फिर डिपार्टमेंटल अधिकारियों की जो मिलीभगत है, उसमें आखिर क्या वो तकनीकी पहलू है कि ये मामले जब दर्ज किए जाते हैं तो कोर्ट में टिक नहीं पाते? देखिए, इसमें सीधे तौर से चालान नहीं, चालान का गोरख धंधा या चालान का खेल कहेंगे तो शायद ये सही शब्द होगा इसकी पूरी व्याख्या के लिए, क्योंकि चालान सिर्फ उन्हीं के लिए किए जाते हैं जिनकी साठगांठ जो है कथित रूप से जो वहां पर चालान काटने के लिए पुलिसकर्मी तैनात होते हैं उनसे नहीं बैठती है। क्योंकि यदि ऐसा हो, गंभीरता से चालान किए जाए, निष्पक्ष तरीके से चालान किया जाए, तो सड़कों पर कोई ओवरलोड डंपर जो है या फिर जो अवैध खनन हो रहा है उससे लोडेड डंपर सड़कों पर दौड़ सके, वाहन दौड़ सके, ऐसा असंभव है। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जब ये सड़कों पर निकलते हैं ओवरलोड वाहन जो है पत्थरों से भरकर या यमुना रेत से भरकर, तो जहां साठगांठ हो जाती है वहां उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और कई बार हमने खुद देखा है कि जहां साठगांठ हो जाती है और गलती से किसी पुलिसकर्मी को नहीं पता है और उसको रोक लिया जाता है डंपर चालक से, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है आक्रोशित होकर पुलिसकर्मी से बात करते हुए नजर आते हैं। तो सीधे तौर पर उस वक्त पुलिस मूक दर्शक बनने पर मजबूर होती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है, वो कहा जाए कि सरकार ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन
कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं एक लूप होल जरूर नजर आ रही है। और यही कारण है कि बार बार चाहे एनजीटी हो या सुप्रीम कोर्ट है, सरकार को चेताता है, खनन विभाग को चेताता है, लेकिन वन विभाग को चेताता है। अरावली की यदि मैं बात बताऊं तो यहाँ पर देखिए पत्थरों का सीना चीरकर, अरावली का सीना चीरकर सैकड़ों अवैध फार्म हाउस बना दिए, जिसमें से कई आईएएस ऑफिसर, मैं बड़ी स्टेटमेंट दे रही हूँ यहाँ पर कि बड़े आईएएस ऑफिसर और बड़े नेताओं और मंत्रियों के भी हैं, सत्ता पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी हैं। जब उन्हें पता है कि वहां पर जमीन पर किसी भी तरह का इस तरह से फार्म हाउस बनाना प्रतिबंधित है तो क्यों वहां पर फार्म हाउस बना दिए गए? और केवल फार्म हाउस नहीं बना दिए गए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद वहां पर पक्की सड़कें बनाई जा रही है, यानी कि रास्ता दिया जा रहा है जहां एक व्यक्ति एक छत नहीं डाल सकता छोटी सी, वहां पर अवैध निर्माणों के लिए पूरा रास्ता तैयार कर दिया जाता है। तो आप हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ये पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है और सरकार को इस मामले में पूरी गंभीरता से बरतने की जरूरत है। क्योंकि देखिए सीधा जो ये मामला है ना केवल हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, प्रकृति से भी खिलवाड़ इसको। पूजा, क्या दर्शकों को आप बता सकती हैं फरीदाबाद के आंकड़े की अब तक कितने मामले बीते दिनों में सामने आ चुके हैं जो दर्ज हुए हैं और कितनों पर कार्रवाई हुई है, चाहे वो कोर्ट तक पहुंची हो या कोर्ट से उस मामले में कोई निष्कर्ष निकला हो? देखिए फरीदाबाद में लगातार जैसे कि खनन मंत्री से भी हमारी बात हुई और हम देखते भी हैं, जब छापेमारी की जाती है, औचक निरीक्षण किया जाता है तो कुछ समय के लिए जो ये चालान है तेज कर दिए जाते हैं, लेकिन जब सरकार का किसी और मुद्दे पर व्यस्त हो जाती है, मंत्री जी किसी और मुद्दे पर व्यस्त हो जाते हैं तो अधिकारी जो है वो बेखौफ हो जाते हैं और ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसी कोई कार्यवाही नहीं आई है जो नजीर पेश हो, जिस तरह से देखिए संशोधन एक कोई ऐसी कार्रवाई अब तक नहीं हुई अवैध खनन के मामले में जिससे कि एक नजीर पेश हो। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो अवैध खनन पर एक जानकारी ये भी, कई ऐसे मामले दर्ज तो किए जाते हैं अवैध खनन को लेकर लेकिन वो कोर्ट में टिक नहीं पाते। उसके पीछे रीजन ये, कारण ये कि कई मामलों में ना तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह मिलता है, वहीं दूसरी तरफ पुलिसिया कार्यप्रणाली ऐसी होती है कि उसमें माइनिंग विभाग के अफसरों को या फिर जो जांच के लिए उसके ताल्लुक रखते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं खनन माफिया हैं ये कोर्ट से छूट जाते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से संवाददाता पूजा शर्मा ने जो बात की है और क्या कुछ कहा खनन मंत्री ने, सुनिए। के आदेशों के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आई और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में लगातार छापेमारियों का दौर अवैध खनन को लेकर जारी है, हड़कंप मचा हुआ है। अवैध खनन माफिया जो है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, चाहे यमुना के खनन की बात की जाए या अरावली का जो सीना है, वो खनन माफिया किस तरह से छलनी कर रहे थे और जो अभी चोरी छुपो जो लोग खनन अभी भी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ रणनीति हरियाणा सरकार ने, खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने बनाई है, उनसे हम विशेष इस चीज़ पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार चिंता जता चुका है। मूलचंद जी, खनन को लेकर आप खनन मंत्री हैं, लगातार छापेमारियों का दौर है और खनन माफियाओं में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत जो खनन हो रहा है उसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, कैसे उसको आप कंट्रोल करेंगे? जो अवैध खनन होता है या यमुना के किनारे साथ साथ जितना अवैध खनन होता है, हम इस तरह की माइनरों को ऑप्शन कर रहे हैं, जैसे फरीदाबाद की 4 माइनिंग ऑप्शन कर रहे हैं, सोनीपत की हम माइनिंग ऑप्शन कर रहे हैं, पानीपत करनाल की ऑप्शन कर रहे हैं, पंचकुला की ऑप्शन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जो माइनिंग बंद है उन माइनिंग खोलने का काम कर रहे हैं और जहाँ कोई अवैध चोरी छिपे जो माइनिंग करता है उनके खिलाफ NGT जो कानून है उसके तहत को टंपरों को बंद कर रहे हैं। जो अरावली में खनन होता है सर, उसके लिए क्योंकि वहाँ पर दबंगई भी बहुत ज़्यादा है, कोई अधिकारी वहाँ जाने को तैयार नहीं होता है, तो उसके लिए क्या कुछ नीति बनाई गई है? देखो अरावली सेक्शन 4-5 के अंदर है और अरावली में हमारे मुस्तैद हैं सारे, जहाँ भी हम डॉन से सारे कर रहे हैं, पर मैं मानता हूँ कि अरावली में जो अवैध खनन पूर्व की सरकार में हुआ करता था और मैं इस बात के रिकॉर्ड के साथ कह सकूँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल 702 करोड़ पिछली बार माइनिंग से आया, उनके अतीत में जाके देखिए 250, 300, 200 करोड़ रुपए और आने वाले कोरोना के समय जो कोरोना के साल है इसमें माइनिंग है और 18 माइनिंग बंद होने के बावजूद भी आज भी माननीय 700 करोड़ के आसपास हम
इससे हमें लाभ मिलेगा। मूलचंद जी, जो खनन हो रहा है उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो खनन डिपार्टमेंट है कर्मचारियों की बहुत कमी है, उसके लिए क्या योजना है? एक एक इंस्पेक्टर पर, एक एक अधिकारी पर कई कई जिलों का जिम्मा है। अभी पिछले 30 साल के बाद एक बहुत बड़ी जो खेप है हम भर्ती करने जा रहे हैं, जो माइनिंग डिपार्टमेंट के LDC हैं, जो माइनिंग अफसर हैं, जल्दी आने वाले 6 महीनों में हमने सबसे बड़ी भर्ती माइनिंग की, मुख्यमंत्री ने हमको हरी झंडी दे दी है और जल्दी माइनिंग के अधिकारी होंगे और हर अपनी बीच पे अधिकारी खम के मुस्तैद रहेंगे कि बहुत बड़ा काम है, इसकी रखवाली करना सबका कर्तव्य है। एक खनन मंत्री का काम नहीं है, आम आदमी का काम है, पुलिस प्रशासन सब लोग, सामाजिक धार्मिक संगठन सब इस पर काम करें और इस तरह से अवैध खनन जहाँ जो पर्यावरण को देखते हैं उस तरह से होते हैं और हमने अवैध खनन रोका है। आप उस समय की बात करें 10 साल पहले क्या हाल था जी, आज अवैध खनन आज तो मैं मान के देता हूँ कि आज हमारी पुलिस मुस्तैद है, पुलिस के अधिकारी मुस्तैद हैं, सब आज की माइनिंग के अस्थायी मुद्दे कह रहे हैं, आज 2000 करीब डंपर ट्रैक्टर ट्रॉली आज NGT के बंद हैं, तो आज तो हमने कार्रवाई करी है तब दिखता है, पहले कार्रवाई नहीं होती थी, आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है और कार्रवाई ऐसे लोगों को आज सब चीज़ जो है आज काबू में है, तो आने वाले समय में भर्ती करेंगे और अवैध खनन हरियाणा में ना कोई कहने लगे अवैध खनन में हर चीज़ को अवैध खनन में पड़ेगी। अब कोई यमुनानगर पर काम चल रहा है 90 लाख रुपये प्रतिदिन देते हैं, यमुनानगर 90 लाख रुपये प्रतिदिन टैक्स देते हैं, पानीपत देता है, सोनीपत देता है, नारनौल महेंद्रगढ़ में करोड़ों रुपए दिन का टैक्स है, वो जो है टैक्स दे के आ रहे हैं। ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन कैमरा खरीदे जाएंगे। नहीं, ड्रोन कैमरा हमने खरीदे हैं, ड्रोन कैमरा से कोई अवैध ट्रक है जैसे मेवात का इलाका है वहाँ पे अभी सेक्शन 4-5 है जहाँ पे इस तरह के हमें ड्रोन खरीदे हैं कि अवैध माइनिंग तो नहीं, अपनी सीमा से बाहर तो नहीं है, अपनी सीमा के अंदर माइनिंग हो रही है, इस तरह से हमने इसको सुधारा है। हमने ये नहीं क्यों, हमने इतना माइनिंग को सुधारा जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जितना लोगों को लाभ मिला है, राजस्थान की माइनिंग को रुका है, राजस्थान का अवैध कारोबार, UP का अवैध कारोबार हरियाणा में होता है, उन सबको हमने रोकने का प्रयास, आप इसमें हरियाणा नहीं, UP के बहुत अवैध माइनिंग करते थे, राजस्थान के लोग अवैध माइनिंग हरियाणा पहुँचा रहे, उन सबको हमने रोकने का प्रयास करा है। जो एक विवाद चल रहा है यूपी हरियाणा बॉर्डर पर माइनिंग को लेकर, उसको लेकर अब क्या रणनीति बनेगी? नहीं, कोई यूपी उसका नहीं है, हमारे जो हरियाणा में मान लो जो हरियाणा में लाएगा माइनिंग UP से ला सकता है, कहीं से ला सकता है, कोई माइनिंग ये नहीं कि स्टेट में लाएगा, आप दूसरे प्रदेश से माइनिंग ला सकता है पर उस सीमा से उसके वैध तरीके से वैध, कोई ये नहीं कि भाई यहाँ का फरीदाबाद में यमुनानगर का ही रवाना खा दे और मान लो वहाँ का हो तभी तो होगा। सर, जब भी माइनिंग की बात आती थी तो कहा जाता था कि जो स्थानीय पुलिस है उसका संरक्षण मिलता है, क्या कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पुलिस अधिकारी हैं चाहे स्थानीय थाना चौकी जो लगते हैं, क्या कुछ सख्त दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं? नहीं, सभी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा हरियाणा काम कर रहा है, सभी अधिकारी साथ हैं और हमने इसको सबको काबू कर लिया है, अभी किसी की जरूरत नहीं है, जहाँ से पत्थर निकलता है हमने सभी थानेदार मुस्तैद में पुलिस वालों को जो SHO है उन्होंने मजबूती के साथ वो लगे हैं और एक वीर तक उन्हें निकल गया। सर, हमारे माध्यम से जो खनन माफिया है जो इस वक्त आपको देख रहे हैं या अब इसके माध्यम से उन तक यह जानकारी पहुंचेगी, क्या आप कुछ सख्त चेतावनी उनको देना चाहेंगे या जो अधिकारी काम में कोताही बरत रहे हैं उनको स्पष्ट निर्देश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा आपके कहिए अवैध खनन एक भी नहीं होगा, हरियाणा में पहाड़ में यमुना में नदी में अवैध नहीं होगा और दूसरा क्या है कि लोग इस बात को समझ चुके हैं कि वैध ही मान बिकेगा, अवैध नहीं बिकेगा, वैध ही बिकेगा। तो माइनिंग को लेकर, अवैध खनन को लेकर हरियाणा के जो खनन मंत्री हैं सख्त रुख में, उन्होंने कहा है कि खनन माफिया किसी भी हालत में हरियाणा में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जो सख्ती लगातार उनके बाद जब उन्होंने मंत्री का कार्यभार खनन मंत्री के तौर पर संभाला चली आ रही है उस सख्ती को बरकरार रखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही कह चुके हैं कि हरियाणा में अवैध खनन जो है किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। देखने वाली ये बात ये होगी कि हरियाणा में पूर्ण रूप से अवैध खनन पर अंकुश कब लग पाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी। तो इस हफ्ते अवैध खनन पर पहले एपिसोड में हमने आपको फरीदाबाद की स्टोरी दिखाई। फरीदाबाद से हमारी संवाददाता पूजा शर्मा ने
ग्राउंड जीरो से बेखौफ रिपोर्टिंग की और तमाम हकीकत आपके सामने रखी। सरकारी दावे भी हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साफ कह चुके हैं अवैध खनन कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा भी ये बात साफ कहते नजर आ रहे हैं। जहां भी अवैध खनन की तस्वीरें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कैसे ये बड़ा सवाल है। ठोक के पूछेंगे, आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।